मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में पूरे देश में खेल का रंग हर नौजवान को उत्साह उमंग के रंग से रंग देगा। हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में विश्व का सबसे बड़ा खेलों का महाकुंभ होने जा रहा है, रियो हमारे कानों में बार बार गूंजने वाला है। सारी दुनिया खेलती होगी, दुनिया का हर देश अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखता होगा, आप भी रखेंगे। हमारी आशा अपेक्षाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन रियो में जो खेलने के लिए गए हैं उनका हौसला बुलंद करने का काम भी 125 करोड़ देशवासियों का है। आज दिल्ली में भारत सरकार ने रन फॉर रियो, खेलो और जियो, खेलो और खिलो, एक बड़ा अच्छा आयोजन किया। हम भी आने वाले दिनों में जहां भी हो हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए कुछ न कुछ करें। यहां तक जो खिलाड़ी पहुंचता है वो बड़ी कड़ी मेहनत के बाद पहुंचता है, एक प्रकार की कठोर तपस्या करता है। खाने का कितना ही शौक क्यों न हो, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ठंड में नींद लेने का इरादा हो तब भी बिस्तर छोड़कर के मैदान में भागना पड़ता है, और न सिर्फ खिलाड़ी उनके माँ बाप भी उतने ही मनोयोग से अपने बालकों के पीछे शक्ति खपाते हैं। खिलाड़ी रातों रात नहीं बनते, एक बहुत बड़ी तपस्या के बाद बनते हैं। जीत और हार उतने महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ इस खेल तक पहुंचना वो भी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम सभी देशवासी रियो ओलंपिक के लिए गए हुए हमारे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दें। आपकी तरफ से ये काम मैं भी करने के लिए तैयार हूं। इन खिलाड़ियों को आपका संदेश पहुंचाने के लिए देश का प्रधानमंत्री पोस्टमैन बनने को तैयार है। आप मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर खिलाड़ियों के नाम शुभकामनाएं भेजिए, मैं आप तक पहुंचाऊंगा।